नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसे प्लांट के बारे में बताऊंगी जो कलर चेंज करता रहता है, जो अलग-अलग कलर बनाता रहता है, रेड, वाइट, पिंक, ऑरेंज। ऐसे प्लांट के बारे में आज मैं आपको मिलवाऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं, वीडियो देखते हैं वो कौन सा प्लांट ऐसा है जो अपने काफ़ी सारे कलर चेंज करके बताता है। तो वो प्लांट है पोनसेटिया, जिसकी वीडियो मैंने पहले भी बनाई है। तो जिस किसी को अगर पोनसेटिया के बारे में जानना है तो वो मेरी पीछे पीछे जो बनाई गई वीडियो है वो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो चलो बात करते हैं पोनसेटिया के बारे में, कि पोनसेटिया किस तरह से कलर बदलता है और किस तरह से जंगल आपके घर को जंगल बना देगा और इतना सारा वो फैल जाता है। तो चलो दिखाती हूँ मैं पोनसेटिया के कलर चेंज होने की वजह। तो ये है पोनसेटिया, ये देखिए। इसने ये प्लांट मैंने अंदर रखा हुआ था इंडोर, तो इसने अपना कलर चेंज कर दिया है। इसमें देखिए, इसने अपने जो पत्तियां हैं इसने वाइट कलर की बना दी है। देख रहे हो कितनी सुंदर वाइट कलर की इसकी पत्तियां बन चुकी है। ये इंडोर रहने से इसने अपनी पत्तियों को वाइट बना दिया है। ठीक है, ये हुआ इसका एक कलर। अब ये दूसरा कलर देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हो ये दूसरा कलर है इसका। ये देखिए, ये पिंक कलर बना रहा है इसमें। देख रहे हो आप, ये पिंक कलर बना रहा है इसमें। ठीक है, तो ये हो गए दो कलर इसके। अच्छा, और ज़्यादातर ये कौन सा वाला कलर आप अपना बना के रखता है? ये डार्क ऑरेंज कलर। ये देखिए कितना सुंदर है इसका कलर, डार्क ऑरेंज कलर है ना। और इस प्लांट को अगर आप अपने घर में एक बार लगाओगे तो घाटे में नहीं रहोगे। ये प्लांट फैलता ही जाएगा, फैलता ही जाएगा, आपके घर को जंगल बना देगा। और आपको इसको उठा उठा के फेंकना पड़ेगा। और इतने बड़े बड़े भी हो जाते हैं, जहाँ कहीं भी इसके बीज गिरते हैं ये अपना फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं। तो आप इस बार एक बार इस प्लांट को ज़रूर लगाइए अपने घर में। तो ये हुए इसके तीन कलर। एक कलर और भी है, वो है डार्क रेड कलर। तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। वो प्लांट दूसरी जगह रखा हुआ है। ये तीन प्लांट मैंने रखे हैं, ये ऑरेंज कलर, ये वाइट कलर जो इंडोर था, ये आउटडोर है, और ये आधे दिन की धूप में है, यानी कि 1-2 घंटे की धूप में ये पिंक कलर बनाता है। पूरे दिन की छाया में सिर्फ रोशनी मिलती रहे और पूरे दिन की छाया हो तो ये वाइट बनता है, और पूरे दिन की धूप मिले तो ये ऑरेंज बन जाता है। तो ये इसकी खूबियाँ हैं। और एक प्लांट और है जिसमें ये अपना कलर रेड कलर बना देता है, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। उसकी मैंने फ़ोटो भी खींच के रखी थी कि किस तरह से ये अपना कलर चेंज करता है। तो ये देखिए, ये इसका रेड कलर है, देख रहे हो। अभी तो ये फिर भी लाइट हो चुका है थोड़ा सा, मगर ये पूरी तरह से इसने अपने इसको रेड कलर बना रखा था। उसकी मैंने फ़ोटो भी खींची थी। ये रेड कलर है इसका, और ये देखिए ये ऑरेंज कलर है इसका। तो दोनों है एक ही पेड़ के अंदर, दोनों एक ही प्लांट के अंदर है। ये ऑरेंज कलर है और ये देखिए, देख रहे हो ये रेड कलर है दोनों। ये देखिए, मैं दोनों की टहनियाँ आपस में जोड़ के भी दिखा देती हूँ, जो आपको फ़र्क अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, ये देखिए, ये रेड है, इसमें बीच में पत्ती आ रही है। ये देखिए दोनों में फ़र्क देख रहे हो आप। ये अभी दिखाते हैं, ये देखिए दोनों में फ़र्क देख पा रहे हो। ये रुको रुको रुको, अभी दिखाते हैं। ये देखिए दोनों में फ़र्क, ये ऑरेंज है और ये रेड है। इसमें एक पत्ती आ रही है, ज़रा मैं उसको तोड़ देती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। तो इस पत्ती को हटा देते हैं जिससे कि आपको ये कलर देखने में आसानी रहे। तो ये देखिए, अब दिखाती हूँ मैं आपको अच्छे से इसका कलर, कि किस तरह से ये अपने कलर को चेंज करता है। ये देखिए, अब देखिए, ये देखिए,
देख रहे हो, ये वाला ऑरेंज है और ये वाला रेड है एक ही प्लांट के अंदर, एक ही प्लांट के अंदर दोनों कलर है। ये देखिए, ये रेड है और ये ऑरेंज है, दोनों एक ही प्लांट के अंदर ये कलर है ना, कितना सुंदर। तो इसने अपने चार कलर बना लिए, रेड, ऑरेंज, वाइट, पिंक, मगर प्लांट एक ही है। ये इस प्लांट की खूबी है। तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाइए एक बार, और इसको लगाने से ये प्लांट वो लोग भी लगा सकते हैं जो ज़्यादातर ऑफिस वगैरह में रहते हैं, जो प्लांट लगा नहीं सकते, जिनको अपने घर में प्लांट लगाने का शौक़ तो है मगर वो प्लांट्स को टाइम नहीं दे पाते, कि वो लोग, उनकी शिकायत है जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, उनकी शिकायत है कि हम प्लांट लाते हैं मगर वो प्लांट मर जाते हैं, तो हम और दोबारा उनका फिर प्लांट लाने का मन नहीं करता। तो वो लोग भी इस प्लांट को लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट अपने शीट गिराता रहता है, बीज गिराता रहता है और बार बार मतलब नए प्लांट बनाता रहता है। तो उन लोगों के लिए भी ये प्लांट बहुत अच्छा है जो प्लांट को लाकर अपने घर में किसी भी वजह से मर जाते हैं, जी नहीं पाते, तो ये प्लांट उनके यहाँ हमेशा ज़िंदा रहेगा, क्योंकि ये अपने शीट गिराता रहता है, मरेगा नहीं। एक प्लांट मरेगा तो बहुत सारे प्लांट इसके बन जाएंगे, जहाँ जहाँ शीट गिरेंगे वहाँ वहाँ ये प्लांट बनता जाएगा। तो मैंने इसके कलर की बात कर दी, ये ऑरेंज कलर है, ये वाइट कलर है और ये पिंक कलर है। ये देखिए, ये तीनों इसके अंदर खूबियाँ हैं। ये देखिए, ये पिंक कलर हो गया, और ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हो ना, ये देखिए, ये कलर चेंज करता है, इसमें देखो कितने अच्छे से है ना। ये देखिए, इसमें ये पिंक कलर है, ये देखिए वाइट कलर है, ठीक है, और ये ऑरेंज कलर है, कितना डार्क ऑरेंज कलर, और देखने में कितना सुंदर है। एक बार इसे लगा के तो देखो ये कितना सुंदर लगता है। तो ज़रूर लगाइए इस प्लांट को, और रेड कलर भी करता है। तो एक ही प्लांट चार कलर जब बनाता है तो आपको भी देख के, इसकी खूबियाँ देख के आपको भी बहुत खुशी होगी। तो चलो अब मिलाती हूँ मैं आपको अपने बाकी प्लांट्स से। तो कल जब मैं वीडियो बना के नीचे जैसे ही उतर कर गई थी, तो हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश आई थी, और मैंने एक नए गमले के लिए पॉटिंग बनाई थी, और सोचा था कि दोबारा मैं उस पॉटिंग सोइल को एक प्लांट के अंदर मैं डालूंगी। तो ये देखिए, इसके अंदर पानी भर गया इस तरह से, ये देखिए इतनी बारिश आई कि ये मेरी पॉटिंग सोइल के अंदर बारिश का पानी आ गया। और मुझे अपने अडेनियम के लिए भी डर लग रहा था कि कहीं पानी ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि पहले ही मेरे एक अडेनियम की मैंने कटिंग की थी, जिसकी कटिंग मैंने कल आपको मतलब दिखाई थी, तो देख सकते हो। अभी मैं फिर से आपको अडेनियम दिखाती हूँ कि कल मैंने क्या किया था। कल मैंने इस वाले प्लांट की वीडियो बनाई थी, जो कि ये प्लांट भी देखने में बहुत सुंदर है, और इसकी पत्तियाँ बहुत शाइन करती है, तो आप इस वाले प्लांट को भी लगा सकते हो। और ये इस वक्त हमारे यहाँ, ये देखिए रेन लिली में, इस वक्त मैंने ये सारे शीट हटाए नहीं थे, शीट बनने के लिए मैंने रेन लिली को ऐसे ही छोड़ दिया था कि बहुत सारे शीट इसमें बने और मेरे पास और बहुत सारे प्लांट हो जाए, यानी कि पहले से ही मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं मगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास और प्लांट बन जाए। तो इस तरह से ये देखिए रेन लिली के अंदर ये येलो कलर का प्लांट है, उसके अंदर ये शीट बने हुए हैं, तो इस तरह से इसमें शीट बनते हैं। ये देखिए ये शीट बने हुए हैं, ये हम लोग अब हम ये वाइट वाले में इनको डाल देते हैं, तो वाइट और येलो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। ये वाइट वाला है, तो वाइट में तो कम फूल खिले थे, अभी शीट नहीं बने, और इसमें आप देख सकते हो कितने सारे शीट बने हैं। ये देखिए, ये भी, ये देख रहे हो ये शीट बना हुआ है, और ये इतने सारे शीट बनने के लिए तैयार है। ये देखिए कितने सारे शीट हैं, देख रहे हो आप,
कितने सारे शीट बने हुए हैं इनके अंदर, बहुत सारे शीट बने हुए हैं। ये देखिए, मैं आपको इनको सबको इकट्ठा करके दिखाती हूँ कि मेरे पास कितने सारे शीट बने हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हो, ये देखिए, ये बने हुए हैं मेरे पास, कितने सारे शीट बने हुए हैं, ये देखिए। और ये कुछ शीट अभी कच्चे हैं, और ये देखिए कितने सारे शीट बने हुए हैं मेरे पास, कितने सारे शीट बने हुए हैं। इन सबको मैंने तोड़ा नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास और प्लांट बन जाए। तो ये इतने सारे शीट मेरे पास येलो येलो रेन लिली के बने हुए हैं, ये देखिए। और ये पिंक रेन लिली है, ये भी मेरे पास बहुत सारे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि और प्लांट मेरे पास बन जाए, और ये बंचीज़ में खिले, और ये बंचीज़ में खिलते भी हैं। तो इस तरह से देखिए, इसके बल्ब होते हैं, मेरे ये बल्ब देखिए ऊपर ही लगे पड़े हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये रेन लिली के बल्ब होते हैं, देख रहे हो आप कितने सारे रेन लिली के बल्ब है। ये इस तरह से एक बल्ब से ये बल्ब बनाता रहता है। ये देखिए, मेरे ये बल्ब ऊपर ही लगे हैं, और काफ़ी सालों से इसी में लगा हुआ है, और बहुत अच्छे से ये चल भी रहे हैं। तो ये थी रेन लिली की बात। मेरे पास तीन कलर है, वाइट, येलो और पिंक, तीन कलर है। मैं चाहती हूँ मेरे पास और कलर भी आए। तो ये थी रेन लिली की बात। और अगर रेन लिली के प्लांट शीट बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, और प्लांट भी ज़्यादा बन जाएंगे, तो मैं जिनके पास नहीं है मैं उनको बांट दूँगी। तो ये मेरे अडेनियम में देखिए कितनी सारी कलियाँ लगी हुई है इस वक्त। ये छोटा अडेनियम है, ये देखिए, और बहुत सारी कलियाँ इसमें लगी हुई है। ये मैंने कटिंग लगाई थी अडेनियम की, ये कितनी मोटी कटिंग है, और इसमें कुछ पॉन्सेटिया के प्लांट निकल आए थे, तो वो मैंने उठा के मैंने फेंक दिए। तो ये कटिंग है अडेनियम की। पहले तो ये फूल भी लगा रहा था, तो मैंने उसकी कटिंग इसलिए ही निकाल दी थी कि ये अडेनियम की जो कटिंग है ये भी फूल दे, तो इसलिए मैंने इसको मैंने बाहर निकाल दिया था, जो इसके अंदर जो भी शीड जो भी प्लांट इसमें अडेनियम में की कटिंग में लगे हुए थे, पॉन्सेटिया के, और जो भी खरपतवार जो लगी हुई थी वो मैंने सब इसमें से निकाल दिए। तो ये रहा वो मेरा अडेनियम जिसको मैं काट कर गई थी, ये रहा, अब ठीक लग रहा है। कल भी जब बहुत तेज़ बारिश आ गई थी तो मुझे कहीं जाना था, और मैंने अपने बेटे से कहा था कि अगर बारिश ना रुके तो छोटे अडेनियम अंदर कर देना, जहाँ इंडोर कर देना बेटा। तो ये रहे वो मेरे अडेनियम जो अब नई कलियाँ लगा रहे हैं, और शीट भी बनाने को तैयार है। और ये प्लांट भी आप सिंगोनियम के प्लांट भी एक से दो बना सकते हो, देखिए इसमें दो प्लांट आराम से बन सकते हैं, और इसमें तीन प्लांट भी बन सकते हैं। ये देखिए, इनको अलग अलग डिवाइड करोगे तो इसमें आपको तीन प्लांट, इस वाले पिंक सिंगोनियम के तीन प्लांट बन जाएंगे। ये देखिए, देख रहे हो आप, इसमें तीन प्लांट आराम से बन जाएंगे। तो इसको इनको भी मुझे डिवाइड करना है, मगर अभी ये ऐसे चल रहे हैं तो चलने दो। इनको भी मैं डिवाइड करूंगी, और बड़े प्लांट में, बड़े पोट में इनको डालूंगी, जो कि ये बड़े प्लांट बन सके। तो ये अभी ऐसे ही इनमें रखे हुए हैं, और मैंने इनमें फंजीसाइड डाल के मैं गई थी परसों, मैंने फंजीसाइड डाला था इसमें। ये देखिए, अगर ज़्यादा बारिश होगी तो इस तरह से इनकी पत्तियाँ ऐसे हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ये वाला प्लांट भी देखिए कितना सुंदर है, ये देखिए, इसकी पत्तियाँ भी ऐसी पत्तियाँ हैं जैसे कि आर्टिफिशियल हो, इसकी ऐसी लीव्स है। इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। ये मेरे अडेनियम हैं, ये देखिए, इनको भी करना है, और इस वाले को भी। ये प्लांट मैं जब से लाई हूँ इसकी केयर कर रही हूँ। ये प्लांट भी जब मैं लाई थी तो ये बड़ा बीमार सा लग रहा था, मेरे पास आके अभी तो पहले से काफ़ी ठीक हो गया है, मगर फिर भी नई पत्तियाँ भी दे रहा है, और कोई कोई अपनी पत्तियाँ झाड़ भी रहा है, गिरा भी रहा है मतलब। तो इसकी भी मुझे बनानी है, बनाऊँगी। और ये प्लांट भी देखने में बहुत सुंदर है,
तो इसको भी हम रख देते हैं। ये नई नई लीव्स इस तरह से देखिए, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग भी लगाई है बहुत सारी। ये नई लीव्स इसमें निकाल रहा है और अंदर देखिए इस तरह से ये पत्तियाँ गिरा भी रहा है, जो मैं बाद में हटा दूँगी। ये रहे मेरे एडेनियम, और इस वक्त गंधराज ज़्यादा पानी की वजह से गंधराज भी अपनी कलियाँ गिरा रहा है। ये देखिए कुछ कलियाँ तो इसमें लगी हुई है और कुछ कलियाँ पानी ज़्यादा होने की वजह से ये देखिए ये कलियाँ गिरा रहा है, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा गिरेगा तो इस तरह से ये देखिए ये कलियाँ गंधराज भी अपनी कलियाँ गिरा रहा है। ये इसलिए गिरा रहा है कि मैं एक दिन पहले मैं पानी दे के गई थी और दूसरे दिन फिर बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी, तो बारिश की वजह से भी ये अपनी कलियाँ गिरा रहा है। तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इनको उठा के तो मैं अंदर रखने से रही तो ये कलियाँ लगा भी रहा है और कलियाँ गिरा भी रहा है। तो बहुत ज़्यादा कम पानी हो जाए या बहुत ज़्यादा पानी हो जाए तब भी पेड़ पौधे अपनी कलियाँ गिरा देते हैं, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ना तो ज़्यादा पानी होना चाहिए और ना ही कम पानी होना चाहिए। तो हमें अपना मीडियम बीज का अपना हिसाब बना के ध्यान से चलना पड़ेगा, तभी प्लांट जी पाते हैं। तो अब बाकी दूसरे प्लांट से भी मैं मिला देती हूँ आपसे। ये इमेजन लिली का है, अभी भी ये क्या कहते हैं फूल नहीं दे पा रहा है, और ये गिलोय की बेल है। और ये मैंने मोगरा की कटिंग, मोगरा की जब मैंने बारिश से पहले कटाई छटाई की थी तब ये मोगरा की मैंने इसमें वो लगा दी थी, कटिंग लगा दी थी। तो ये मोगरे की कटिंग के अंदर देखिए पत्तियाँ निकल आई है। ये भी ये पत्थर में लगा हुआ है, और इसमें ये तुलसी उग गई है, और ये भी पत्थर में लगा हुआ है। ये देखिए इस तरह से पत्थर में लगा हुआ है। ये भी इमेजन लिली है। जब मैं ये लेके आई थी तो ये प्लांट एक बार मेरे पास वैसे मर सा गया था, तो एक मैंने ये दो भागों में मैंने डिवाइड करके एक को मैंने पत्थर के अंदर लगा दिया था और दूसरे को मैंने गार्डन सोयल में लगा दिया था। तो ये अभी इसका गमला टूट गया है, चेंज करना है मुझे, मगर टाइम नहीं है। तो और मैं इसलिए भी नहीं चेंज कर रही, मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर फूल निकल आए, उसके बाद ही मैं सीजन जब इसका ऑफ हो जाएगा मैं तभी इसका गमला चेंज करूँगी, अभी नहीं करना चाहती। ये हाइब्रिड वो है, हाइब्रिड मैं इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ये क्या कहते हैं गुड़हल है, ये हाइब्रिड गुड़हल है। इसमें फूल तो सुंदर नहीं आता, मगर इसकी पत्तियाँ भी कलर चेंज करती रहती है। ये देखिए किस तरह से इसकी पत्तियाँ अपना कलर चेंज करती है। ये देखिए इस वाले में देखिए किस तरह से इसकी पत्तियाँ हैं, आप देख रहे हो इसमें कैसी पत्तियाँ हैं, और इसमें कैसी इसकी पत्तियाँ हैं, और इसमें देखिए कैसी पत्तियाँ हैं, और इसमें ग्रीन है। तो ये भी कलर चेंज करता रहता है। तो ये हाइब्रिड गुड़हल भी, ये वाला हाइब्रिड गुड़हल भी बहुत सुंदर है। और इसको देखिए, ये देखिए इसको मैंने अब थोड़ा धूप में रख दिया है। ये फिलोडेंड्रोन, गोल्डन फिलोडेंड्रोन है जिसकी कटिंग मैंने ये लगाई है, और ये ड्रेसिना के प्लांट है दोनों। ये भी दो तीन थोड़े मतलब सेमी शेड में रखा हुआ है, जहाँ धूप भी है और छाया भी है, यहाँ धूप कम आती है तो ये मैंने यहाँ पे रखे हुए। ये मैंने कटिंगे लगाई थी पीछे, तो ये कटिंगे ये पटूनिया, देसी पटूनिया की कटिंग है जो चल गई है, और इसमें और भी गुड़हल की कटिंगे मैंने लगाई थी तो वो भी चल गई है। ये गिलोय की कटिंग भी मैंने इसमें, देख पा रहे हो आप, ये गिलोय की कटिंग भी मैंने इसमें लगाई थी, तो ये गिलोय की कटिंग भी इसमें चल पड़ी है। ये देखिए ये गिलोय की कटिंग भी इतनी लंबी हो चुकी है। गिलोय तो इस वक्त बहुत रफ्तार से बढ़ती है। ये देखिए, ये देख पा रहे हो आप, ये गिलोय की कटिंग भी इसमें चल गई है। और ये ड्रेसिना के दोनों प्लांट जो मैंने धूप में ही रखे हुए हैं,
मतलब यहाँ भी आधे दिन की ही धूप आती है, एक दो घंटे की। तो ये भी अपना, ये देखिए इस तक इसमें ये भी अपना पप्स निकाल रहा है, ये देखिए, और एक पीछे की साइड भी निकाल रहा। तो इसमें भी दो 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 पप्स आ रहे हैं। तो आप इस वाले प्लांट को भी बहुत अच्छे से लगा सकते हो। और इस वक्त हमारे यहाँ तीन कलर की मोस खिली है, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। एक कलर तो मोस का ये वाला है, ये देखिए ये वाली भी खिली है, और एक कलर हमारे यहाँ ये वाला भी खिला है। काफ़ी पुराने प्लांट हैं मेरे, ये देखिए, ये देखिए, और एक येलो रंग का भी है। आज हमने इनको तोड़ा नहीं है, ये देखिए ये येलो रंग के। वैसे मोस के मेरे पास नौ कलर है, और ये जो इसमें घास जैसी ये सब देख रहे हो, ये सारे रेन लिली के बल्ब हैं। इसमें सारे रेन लिली के बल्ब जो घास की तरह इसमें उगे हुए हैं, ये बहुत सारे इसमें बल्ब लगे हुए हैं। तो इस तरह से अगर हम रेन लिली के शीड डाल देते हैं तो ये कहीं पे भी उग जाते हैं। तो आप इस तरह से रेन लिली के शीड लगाइए और बल्ब को अपने बल्ब बढ़ाते जाइए। और ये मेरा मदर प्लांट है, इसी प्लांट से मैंने बहुत सारे अडेनियम बनाए थे, ये देख पा रहे हो आप ये। और ये वाला प्लांट भी बहुत अच्छा है कोकोम का, ये देखिए। इसको कोकोम इसलिए भी कहते हैं, मुर्गे की जैसे ऊपर कलंगी होती है, वैसे इसके अंदर ये कलंगी बनती है, तो इसलिए भी इसको कोकोम कहते हैं। और इसका एक नाम और भी है जो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। और ये देखिए इस तरह से ये भी शीड अपने राई जैसे काले काले बीज गिराता रहता है, शीट गिराता रहता है, और इस तरह से छोटे छोटे बन के फिर ये इस तरह से बड़े बन जाते हैं। और ये कटिंग मैंने इसमें लगाई थी, तो देखिए ये कटिंग भी कितनी बड़ी हो चुकी है। इसको मैं निकाल के डाल दूँगी। मैं जब भी पिंचिंग करती हूँ या छोटी छोटी ऊपर की सेमी कटिंग जब करती हूँ तो मैं इनको डाल देती हूँ। तो ये भी आप देख सकते हो, एक तो मैं नाम भूल जाती हूँ, ये कटिंग इसमें भी लगा रखी है, ये देखिए। ये प्लांट है मेरा, ये इसका कड़ी पत्ते का प्लांट है, तो उसमें भी मैंने ये कटिंग लगा दी थी। तो इस तरह से ये कटिंगें बन जाती है, आप भी लगा सकते हो। तो ये वाला प्लांट आप देख रहे हो, इसमें मैंने ग्राफ्टिंग भी की है, पिछले साल ग्राफ्टिंग किया, अभी इसमें फूल नहीं लगा, मैं इसका इंतज़ार कर रही हूँ। ये जो आप देख रहे हो घास की तरह, ये भी रेन लिली के ही बल्ब है, ये देखिए कितने इसमें बन चुके हैं, एक दो तीन चार और एक पाँच। ये भी अब जब मर्जी फूल दे सकते हैं, ये इतना बड़ा बन चुके हैं। मैं इनको निकाल के अलग पोट में शिफ्ट कर दूंगी। तो इस तरह से रेन लिली के बल्ब कहीं पे भी लगाने पे इस तरह से रेन लिली के बल्ब आप देख रहे हो निकल आते हैं। ये अभी तो पतले पतले हैं, घास की तरह ये नज़र आ रहे हैं। तो ये अडेनियम में लगा हुआ जो मुझे अलग से शिफ्ट करना है, ये भी अडेनियम में लगे हैं। और ये वाली मोस के हमारे यहाँ फूल खिल रहे हैं, और इसके फूल मैंने उतार दिए थे सुबह मंदिर जाने के लिए। और ये हाइब्रिड गुड़हल है मेरे पास, जो कलियाँ तो लगाता है और मगर कलियाँ गिरा भी देता है। तो मैंने इसमें कल नीम ऑयल का स्प्रे करा था और साथ में बारिश भी आ गई, तो इसमें जब फूल खिलेगा, ये आठ पेटल वाला फूल देने वाला प्लांट है जो देखने में बेहद खूबसूरत है, तो मैं इसकी भी वीडियो आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगी। कुछ गुड़हल के प्लांट्स में काम करना रहता है, समय की वजह से नहीं कर पाती। ये मेरा राधे राधे, ये वृंदावन से मैं लेके आई थी जमुना जी में से। पहले तो ये बहुत ज़्यादा फैल गया था मेरे पास, मगर वो सारे मर गए हैं, अब सिर्फ मेरा राधे अकेला ही रह गया है। तो मैं राधे को कहती हूँ, राधे और भी पप्स दे दे बेटा, और ये फूल भी बहुत सुंदर देता है। जब मेरा राधे और अपने पप दे देगा तब मैं आपको इसकी भी वीडियो बनाऊंगी। ये भी मेरे पास सारे ये हरिद्वार से लाई थी, ये भी सारी प्लांट अब देख रहे हो मरने लग गए हैं। अगर ये इसीलिए मैंने वो एक जो टप रखा हुआ था वो मैंने हटा दिया। ये भी गुड़हल है, ये भी, ये देखिए, ये
स्पाइडर का क्या हाल हो गया है, इसको भी ठीक करना है। इसको देखो, आउटडोर ज़्यादा धूप में रखने से ये ऐसे हो गया है। और ये मिनीचर गुलाब है जो खिल रहे हैं इस वक्त, तो आप देख लीजिए। चलो, और ये मिर्ची गुड़हल है, ये मिर्ची गुड़हल है, ये देखिए, ये भी बंचीज में फूल खिलाते हैं, तो इसमें अभी फूल नहीं लगे। ये दो मिर्ची के गुड़हल के मेरे पास प्लांट है। तो पहले जब मैं बाहर घूमने चली गई थी, ये कल मैंने कटिंग लगाई थी, ये देखिए इस कटिंग का क्या हाल हुआ है। ये कल मैंने लगा के जब चली गई थी, तो इस कटिंग को उठा के मैं बाद में छाया में रख दूँगी। और ये भी अडेनियम की कटिंग मेरे पास इस वक्त इसमें लगी है, इसको भी निकाल के मुझे अलग पोट में डालना है। इसमें ये अडेनियम लगा हुआ है छोटा सा, ये देखिए। तो इसके साथ ये वाला, ये दो प्लांट और लग गए, मैं इसलिए नहीं निकाल रही। अगर एक्स्ट्रा पानी जाएगा तो अडेनियम की जगह ये दोनों प्लांट भी इसमें से पानी ले लेंगे, तो अडेनियम जिंदा रहेगा। अगर अकेला अडेनियम कर दूंगी तो एक्स्ट्रा पानी से मर जाएगा। तो इसमें दो प्लांट और लगे हैं तो ज़िंदा रहेंगे। और ये कटिंग भी कल मैंने आपको दिखाई थी और फिर वापस डाल दी थी, तो इसको भी मेरे को कहीं ना कहीं लगाना है। तो ये भी अच्छे से चल पड़ेगी, इसको मैं बड़े पेड़ के नीचे ऐसे ही छुपा के रख देती हूँ। इसने पीछे बहुत फूल दिए थे, तब मैंने, ये लिली है, इसने ये 18 इंच के गमले में लगा हुआ है। इसका बल्ब देखोगे तो कितना बड़ा इसका बल्ब है, ये देखिए, देख पा रहे हो कितना बड़ा इसका 18 इंच के गमले में लगा हुआ है, और कितने बड़े बड़े इसके बल्ब है। और ये भी बेबी देते रहते हैं, तो इसमें बहुत बहुत ही बड़े साइज़ के इसमें फूल आए थे, जिसकी वीडियो मैं बना नहीं पाई थी। तो ये मैं आपको अपने सभी प्लांट से आपको मिला रही हूँ। ये देखिए, ये प्लांट स्नैक प्लांट, सेंसवेरिया स्नैक प्लांट, ये देखिए, ये ज़्यादा धूप की वजह से इसमें ख़राब भी हो रहे हैं, और इनकी जड़ें इतनी ज़्यादा फैल गई है कि ये इस पोट को बाहर निकालने की ज़रूरत है। और ये बहुत ज़्यादा इसकी जड़ें फैल चुकी है, तो ज़रूरत से ज़्यादा तो इस पोट शिफ्टिंग मांग रहा है ये पोट भी, क्योंकि पौधे इसमें प्लांट ज़्यादा हो गए और पोट छोटा हो गया, तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक दिन बैठ के थोड़ा, अब मौसम ठीक हुआ है तो मैं इनमें काम करूँगी। और सारा ये बोगनविलिया है, ये देखिए, ये बोगनविलिया है। इस वाले प्लांट में मैंने होल नहीं किया हुआ है, किसी रीजन से नहीं किया, क्योंकि मैं इस पे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि बिना होल के भी प्लांट चल जाते हैं। ये भी लिली है, और ये विंका है, ये डे लिली है, ये मोगरा के प्लांट है। ये मैंने अलग से जो बनाया था प्लांट ड्रेसिना का, जिसकी कटिंग मैंने लगाई थी, ये भी इतनी बड़ी हो गई है, ये भी एक अलग से मेरे पास प्लांट बन जाएगा। ये देखिए, मोगरा में फूल लगे हुए हैं, और बाकी मैंने मंदिर के लिए सुबह तोड़ दिए थे, तो मोगरा में काफ़ी सारी हमारे यहाँ कलियाँ लगी हुई है। ज़्यादातर फूल हम तोड़ देते हैं, तो हमारे यहाँ आपको फूल कम लगेंगे। तो इसके साथ का एक इस वक्त इसके साथ का जो प्लांट एक और था मेरे पास, वो मर गया, ज़्यादा पानी की वजह से मर गया। पहले उसको मैंने अंदर रखा होता, फिर ऊपर ला के रख दिया, और थोड़ा ध्यान नहीं दे पाई थी, तो ये मेरे पास मर गया। ये रियो का प्लांट है, ये कैना लिली का प्लांट है, ये गुलाब का प्लांट है। तो आप देख सकते हो कि कितने सारे प्लांट मेरे पास लगे हुए हैं। ये देखिए, ये अडेनियम, ये ऐसे ही बाहर पड़ा हुआ है, ये देखिए। इसको मैंने इसलिए नहीं डाल रही हूँ, इसके अंदर मैं ग्राफ्टिंग करूँगी, तो मैंने इसको ऐसे ही, इस गंधराज के प्लांट में इसको ऐसे ही मैंने बाहर ऐसे ही रखा हुआ है। ये देखिए, इस अगर इसका कॉडक बनेगा तो ये कितना सुंदर बनेगा, ये देख रहे हो आप। तो ये इस तरह ऐसे ही बाहर पड़ा हुआ है बिना गमले के, देखो इसका कॉडक अगर बनेगा तो कितना सुंदर बनेगा, देख रहे हो आप।
ये घर में जो सब्जियां आती है उस वाले इसका उसको मैंने पोट बनाया था जो बाद में टूट गया, फिर मैंने भी इसको शिफ्ट नहीं किया। इस पर भी मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, और कुछ मुझे इस पर ग्राफ्टिंग भी करनी है तो मैंने इसको नहीं डाला। तो क्या मैं बड़े प्लांट के ऊपर ग्राफ्टिंग नहीं करना चाहती हूँ, मैं छोटे ही प्लांट के अंदर ग्राफ्टिंग करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है गंधराज के उसके अंदर। तो गंधराज के प्लांट में मैंने इसको ऐसे ही अंदर छुपा के रखा हुआ है। तो चलो, मैंने ज़्यादातर अपने सभी प्लांट्स को मैंने आपसे मिलवा दिया है। तो फिर कल मिलते हैं हम, कल फिर मिलते हैं हम एक नए विषय के साथ, कल फिर मिलते हैं हम एक नए विषय के साथ और एक नए प्लांट के साथ। तो जैसे कि मुझे दो लाइनें फिर से कविता की याद आ रही है, तो मैं चाहती हूँ कि वो दो लाइनें कविता की मैं आपको सुना दूँ। तो चलो, तो कविता की दो लाइनें शुरू करते हैं। कहते हैं कि बन बन के राख हुआ, नहीं गलत, ये वाली नहीं, ये कि दो मिनट रुकिए, मैं जरा लाइनें याद कर लेती हूँ, इस वक्त तो मुझे याद नहीं आ रही है क्या था कि हाँ, इंसान सोचता है कि बाहर ही बाहर रहेगी मेरे जीवन में, इंसान सोचता है कि बाहर ही बाहर रहेगी मेरे जीवन में, मगर उसे ये नहीं पता कि कुदरत अपने नियमों पे चलती है। इंसान ये सोच के इतराता है कि बाहर ही बाहर रहेगी मेरे जीवन में, मगर उसे ये नहीं पता कि कुदरत अपने नियमों पे चलती है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद।